ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचन लोहा हो पत्थर हो अश्म कंचन हो सोना हो जो ज्ञान से जानकारी से और उसके साथ ही साथ विज्ञान से अर्थात उस जानकारी का जो एप्लीकेशन है उस जानकारी को एक्सपीरियंस को बिहेवियर में कैसे रिफ्लेक्ट करें। I have experienced this. Does it show in my behavior though? ये बात समझ में आई तभी पक्की और तभी सच्ची जब मेरे विचारों में वचनों में और आचरण में व्यक्त हो। यदि आचरण में नहीं व्यक्त हो रही तो क्या खाक समझ में आई। सो ठाकुर जी कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा द वन हु इज इमर्स्ड इन ज्ञान एंड फ्लडेड विद विज्ञान द एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल कैसे करे जो समझ में बात आई निजी जीवन में दैनिक जीवन में। वो कूटस्थ फिर वो वहां से नहीं हिलता पक्का अडिग हो गई वो। उसको योगी कहते युक्त इति उच्चते योगी वो फिर चिपक गया वेल्डेड टुगेदर। इसके लिए अपने आत्मा की पहचान आवश्यक। शरीर से नहीं चिपका जा सकता। शरीर से जितने चिपके कितने हग्स दिए कितना प्रेम किया इतना नजदीक लिया पकड़ के रखा छोड़ना पड़ा छोड़ दिया अथवा छूट गया। मन से नहीं पकड़ सकते। मन में आई बात पता नहीं कब दूसरी ओर मन चला जाए उच्छृंखल है। चंचलम ही मन प्रश्न मन में विकार आए तो छूट गए मन की बात बुद्धि से भी नहीं पकड़ सकते। कितना समझ पाएंगे कितनी देर तक उसी विचार को पकड़ रखेंगे बुद्धि में। ऐसा समय आएगा जो निर्णय बदल जाएगा बदलना पड़ेगा। मन नहीं बुद्धि नहीं शरीर से नहीं अहम से भी नहीं एक छोटी सी दूरबीन द टाइनी बाइनोक्युलर से पूरे आकाश को एक कैसे नाप ले। एक 12 इंच की पट्टी रूलर से समुद्र को कैसे नाप ले। गागर गागर कितनी भरे सागर को समझने के लिए कितना पानी है। तो छोटा सा अहम पूर्ण ब्रह्म को कैसे पकड़े कैसे चिपके। तो न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार इंद्रिया तो और कम परमात्मा को आत्मा से ही चिपका जाएगा। चिपका है वह बस पहचानना होगा। यत चित्ते इंद्रिय मनो बुद्धि मनीर मोक्ष परायण जिसके मन में इंद्रियों में चित्त में
बस अब एक मोक्ष की आकांक्षा लगी है। सदा संयुक्तस्य सुखी नर, उसी की प्राप्ति होगी। देह आदि नहीं है आत्म में, नहीं आत्म है देहादि में। आत्मा निरंजन एक सा है, अंत में क्या आदि में। समुद्र की बूंद समुद्र में ही है, हर गंगे करने के लिए थोड़ी देर उठा ली फिर समुद्र में ही डाली। प्रारंभ में मध्य में और अंत में मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। देहादि नहीं है आत्म में, नहीं आत्म है देहादि में। आत्मा निरंजन एक सा है, अंजन नहीं है, खालीमा नहीं है, मैल नहीं है, स्टेनलेस इमैक्युलेट दाग रहित बेदाग शुभ्र स्वच्छ श्वेत पवित्र सेक्रेड होली। अंत में क्या आदि में, थ्रू आउट हर समय, इस समय भी मेरी ऐसी ही स्थिति है। अगर मैं मान लू और जान लू तो कौन सा मृत्यु, कौन सा विकार, क्या परेशानी, कैसी चिंता, कहाँ कुछ कमी है। अगर इधर ध्यान है तो इसलिए फिर अब बाकी जीवन यहां से आगे तू न्यायकारी हो सदा, समबुद्धि निश्चल चित्त हो। अब चित्त इधर उधर न भटके, समता में स्थित हो जाए। विद मैलस टुवर्ड्स नन एंड चैरिटी फॉर ऑल, चिंता किसी की मत करे, निर्द्वंद्व हो मन शांत हो। प्रारब्ध पर्दे छोड़ सब जग ईश में आसक्त हो, अनुरक्त हो। संसार की बातें अब प्रारब्ध पर छोड़ दे, यहां से बहुत प्रयास किया, बहुत पुरुषार्थ किया, प्राप्ति करी, प्राप्त हुआ अप्राप्त हुआ, यहां से आगे का बस प्रारब्ध पर्दे छोड़ सब जग ईश में अनुरक्त हो। जग को प्रारब्ध में और स्वयं को ईश में अनुरक्त। जीवन का चढ़ाव चढ़ लिया, अप हिल बैटल, अब यहां से नीचे गाड़ी, चाबी बंद भी कर दी, ढंग से चलाई तो धीरे धीरे उतर जाएगी अपने आप, और आप बहुत प्रयास नहीं करने होंगे। अब बाकी की सैर मजे की हो, आनंद की हो। चिंतन उसी का कर सदा, मत जगत में आसक्त हो। जय श्री कृष्ण।